सर, जैसे शुरुआत में जो खबर आई थी जब इनको इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, और उसके बाद ये खबर थी कि इनकी जो मेगा रैली हुई और उसमें ये भी चल रहा था कि हो सकता है वहां इस्तीफे का ऐलान करे, तो क्या एक तरह का लिटमस टेस्ट सोच के चल रहे थे इमरान उस मेगा रैली को कि भाई मैं देखता हूँ भीड़ के हिसाब से होगी, लोगों का कितना समर्थन मुझे रैली में दिखेगा दिखेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, या हो सकता है उन्होंने भीड़ तो काफी दिखी भी वहां जैसा था स्टार्टिंग वाली जो पहली रैली थी जहां उन्होंने वो चिट्ठी के बारे में जिक्र किया उसके बाद, तो क्या मतलब एक वो लिटमस टेस्ट की तरह सोच के चल रहे थे कि नहीं मैं मौका वारदात पे देख के तय करूंगा कि मुझे इस्तीफा देना है या नहीं, या वो देना ही नहीं था वो सिर्फ एक। इस्तीफा तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी देने के मूड में थे। हाँ, अलबत्ता कुछ खबरें थी जो फिर वही बात आती कि ये इतने हाई लेवल की खबरें हैं कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी ऐसे बंदे ने भी मुझे बताया कि जो वहां खुद मौजूद था। खबरें ये थी कि ये तैयार हो गए हैं जनरल कमर बाजवा साहब को अपनी एक और एक्सटेंशन देने के लिए, क्योंकि बीच में एक ये भी पॉइंट है कि जनरल बाजवा साहब का जो अपने टेन्योर है 1 साल का जो एक्सटेंशन थी वो नवंबर में खत्म हो रही है, और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, तो ये तैयार हो गए हैं उनको एक्सटेंशन देने के लिए। लेकिन वो उसको वो अक्टूबर अगस्त में कभी जो है ना उसके ऊपर डेट लगा के ठप्पा शप्पा लगा के उसको क्लियर कर देंगे, ताकि अगस्त तक का इनको भी टाइम मिल जाएगा, अगस्त तक अक्टूबर तक ऐसे ही इसमें। लेकिन उस भीड़ को और इस जो चीजों को देख के शायद उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जरा ज्यादा पॉपुलर हूँ, और उन्होंने भी उसके बाद से ये वाला स्लोगन ले लिया है कि मेरे पीछे जनता है, कि मतलब मैं किसी से डरता नहीं हूँ इसलिए कि मैं जनता के साथ हूँ, जनता मेरे साथ है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि जितने भी लोगों का जिनका बुरा वक्त आया है अब तक, बड़े बड़े लीडर जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, कराची के एक लीडर थे अल्ताफ हुसैन, काफी फेमस है इंडिया में भी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये सारे के सारे अगर कहीं जब इनका बुरा वक्त आया तो उससे पहले इन्होंने यही जो डायलॉग मारा था कि मेरे पीछे जनता है। तो इसका मतलब यहां से शो होता था कि शायद इनकी भी स्टैब्लिशमेंट से अब दोबारा कुछ अनबन शुरू हो गई है और ये उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे और ऐसा ही कुछ काम चल रहा है। यहां से जो लोग इनके साथी थे हुकूमत में वो सारे टूट गए उसी 2 दिन के अंदर अंदर। वो 2 दिन फिर ये साबित हुआ, लोगों को सबको पता लग गया कि इसका मतलब पीछे से किसी और का हाथ है जिसने कहा भाई अलग हो जाओ, वो अलग हो गए, ये भी क्लियर हो गया। फिर इन्होंने ये वाली चाल चल दी कि चूंकि अब आपके पीछे जो है ना ये साजिश है और एक षड्यंत्र है और एक चक्कर है, तो इसलिए हम इसको प्रस्ताव को खत्म करते हैं, नहीं मानते, और ये मामला फिर उसके बाद असेंबलियां भी डिजोल्व हो गई। तो जी ये वाली बात यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो इसमें लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, और अगर ये लगने वाली बात को हम मान लें कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो ये काफी अरसे में पहली वजीर आजम है, पहला प्रधानमंत्री है जिसने इस्टेब्लिशमेंट को फिर फंसाया है, अगर हम इस बात को सही मान ले तो, कि फंसा दिए है उनको, कंटेन कर दिया है, कि वो अपना असर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर लेकिन कितना ताकत अपनी नहीं दिखा पा रहे। तो ये एक पहला प्रधानमंत्री होगा मेरे ख्याल से, तो पहले ही होगा पूरे हमारी हिस्ट्री में कि जी जिसने एक थोड़े से क्राइसिस में स्टैब्लिशमेंट को, आर्मी स्टैब्लिशमेंट को जरा बैकफुट पर डाला है, अगर ये हिस्सा सही है, क्योंकि अब ये नहीं पता लग पा रहा कि सही क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने कहा ना गुत्थी बन गई है चीजों की, कुछ नहीं पता लग पा रहा कि काम क्या हो रहा है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी जितना लंबा खींच रहे हैं इसका मतलब वो उतनी गुत्थी में फंस रहे हैं या फंसा रहे हैं, तो वो चीज सीधी नहीं होती नजर आ रही उनकी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी अब बात पता लगती है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि कल वो लोग फैसला कर लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि फ्राइडे को करेंगे, नहीं तो फिर मंडे तक आएगी की बात, और ज्यादा लोगों के चांस यही है, सबकी राय, मेरी भी जाती राय यही है कि वो ये कहेंगे कि जो काम हुआ उसके अंदर 1 2 3 रिक्वायरमेंट्स थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन स्पीकर की जो रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि उसकी रूलिंग को मान लिया जाए और एक इलेक्शन पे चले जाए सारे लोग, और इलेक्शन कर लें, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी, अच्छी अच्छी बातें इंग्लिश में लिख देंगे। तो ये वाली बात जो नजर आ रहा है कि वो इसी तरफ जाएंगे कि वो इलेक्शन की तरफ वो दे देंगे।
और जो हमारा इस वक्त यानी कि सत्ता में जो थी पार्टी पीटीआई, उनके जो पीटीआई के सदर जो है हमारे मतलब डॉक्टर आरिफ अलवी, तो उन्होंने आगे ही एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉल कर ली है, फिर वो इलेक्शन की तरफ एक एक करके वो बढ़ रहे हैं। तो लगता तो यही है कि ये दोबारा असेंबलियां जो है ना अपनी सुप्रीम कोर्ट इनको वो नहीं कर देंगी, रिवाइव या बहाल नहीं करेंगी, तो वो स्पीकर का जो ऑर्डर है ना वो रहेगा, और वो कहेंगे ऐसी कोई गोल मोल सी बात कर देंगे कि जिस ऑर्डर में फलाना ये वो दो चार पांच छह बातें कम थी जो कि होनी चाहिए थी, ठीक हो जानी चाहिए थी। तो लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट असेंबलीज को दोबारा रिवाइव कर देंगे। सर, अभी जैसे सेना की बात चल रही है, तो एक मैं छोटी सी ये बात जानना चाहूंगा कि आप पहले भी देख चुके होंगे यहाँ पर कि कितने प्रधानमंत्रियों को कैसे कैसे हटाया और सेना का इन्वॉल्वमेंट किस तरह। सर, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको पिछले उन जितने भी जो राजनीतिक संकट आए और अब में इस वाले इमरान खान वाले केस में, सेना के रोल को लेके कि पहले क्या रोल था और अब सेना किस तरह से कुछ कर रही है। देखिए, सब मैंने आपसे कहा ना कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी हद तक सेना को बैकफुट पर डाला है और उनको फंसा के रखा हुआ है कि वो खुल के नहीं बोल पा रहे, वो अपनी क्या कहते हैं ये राय नहीं दे रहे, स्टेटमेंट नहीं दे रहे, सिवाय इसके कि हम न्यूट्रल है, हमारा कोई काम नहीं है, हमें ताल्लुक नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है ना कि वो बैकफुट पे है, पीछे है। और उसकी दूसरी मिसाल कि जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके हाँ अब तक, कम से कम तब से, और उससे पहले भी जब अयूब खान साहब का टाइम था, हर वक्त में कि जो सेना के सबसे दुनिया जहां में आप देख लें, अब मतलब किसी कंट्री को, इंडिया भी अमेरिका में भी, जितनी भी सेना और जो इंटेलिजेंस के जो क्लोजेस्ट लोग होते हैं वो होते हैं दाएं बाजू के, ये जो है ना धार्मिक पक्ष, ठीक है, दाएं बाजू के जो धार्मिक पक्ष होते हैं ना, वो अमेरिका में हो या कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, वो सबसे बड़ा उनके पास झंडा होता है अपने देश का, वही यानी कि उनके पास सटीक मोहर भी होती है कि वो कब चाहे तो आपको जो है ना शुभम शर्मा को कह सकते हैं कि तू आधा पाकिस्तान, आधा भारतीय है, आधा नहीं है, और कितना हिंदू है कितना नहीं है। ये धार्मिक पक्षों के पास ना, ये कट्टरपंथी, जितनी भी कट्टरपंथी दुनिया में है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी देश में है, वो हमेशा इंटेलिजेंस और सेना के क्लोज होते हैं वो लोग। आप देख लें हमेशा इसराइल में भी वो जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, वही सबसे बड़े उनके पास बनाया हुआ झंडा, ट्रंप के साथ भी सारे जितने भी वो जो धार्मिक पक्ष थे, चर्च वगैरह, वो ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा थे कि ट्रंप ही जो है ना वो ईसाइयत को बचा रहे हैं मुसलमानों से और पता नहीं इधर से, और ट्रंप सबसे बड़ा दोस्त था खुद मोहम्मद बिन सलमान का, तो मोहम्मद बिन सलमान भी तो मुसलमान सही है बात है सर। ना। तो वो यानी ये भी अगर हम लोगों को बुरा लग जाए, पर आई एम सॉरी अबाउट इट, पर आप देखे ना ओवरऑल इंडिया में जो जितने भी जो सत्ता में है धार्मिक पक्ष जो है, ये थोड़ा सा समझते हैं कि मुसलमान, इनका मौकफ नजर आता है कि खतरा है, लेकिन इन्हीं की सबसे ज्यादा दोस्ती दुबई वालों से और सऊदी अरब वालों से इन्हीं की है, इससे कांग्रेस वालों की इतनी दोस्ती नहीं थी उनके डायरेक्ट जो वहां के गवर्नमेंट्स हैं। तो खैर, मकसद ये है कि जो इस बार जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सेना का बैकफुट पे होने का पहला इंडिकेशन, जो पहला लिटमस टेस्ट है कि धार्मिक पक्ष पीछे है, क्या अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन अपनी औकात में है, सड़कों पे नहीं है, शोर नहीं मचा रहे, वो ठेकेदार बन के सामने नहीं आ गए सबको बताने के लिए, पूरे शहर को बताने के लिए कि कहीं से किसी गांव से मुंह उठा के आ जाए और पूरे इस्लामाबाद या किसी शहर को बता रहे हो कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना। फिर दूसरी तरफ धार्मिक पक्ष बैक पे है, मैंने पीछे है, जी जो पहला सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, मैंने अभी इसलिए कहानी बना के कहा था, सारी दुनिया में सेना और इंटेलिजेंस और इन सब का जो सबसे पहला होता है वो राइट विंग होता है, तो राइट विंग वाले धार्मिक जितने कट्टरपंथी के जितने भी हैं सबके सब एक तो वो पीछे हैं। जी वो जितनी बयान स्टेटमेंट दे रही है, दो स्टेटमेंट तो हर कोई दे, उसका राइट है, लेकिन ये नहीं है कि एक 10 लड़के आए और सड़क ब्लॉक कर ली। जी अच्छा, चूंकि मदरसे के हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, मतलब जो मैंने धार्मिक पक्ष की बात की ना, ट्रंप के टाइम पे भी यही हुआ था ना कि वो जो उनके राइट विंग वाले और धार्मिक पक्ष के जो लोग हैं वो आए, उन्होंने कैपिटल हिल पे कब्जा कर लिया, ट्रंप के टाइम पे यही हुआ ना कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, हालांकि वो इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है। तो धार्मिक पक्ष का जो है ना माइंड एक सही होता है कि यहाँ पे अब पहला मिसाल जो कामयाबी की है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था मेच्योरिटी की निशानी, कि धार्मिक पक्ष पीछे हैं,
और धार्मिक पक्ष ही की 80-90% ताल्लुक होता है आतंकवादियों से, वो सर ये भी बड़ी पीछे। बात बोल रहे हैं आप। नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, सब सारे जितने आतंकवादी दुनिया में होते हैं ना, या तो वो बाएं बाजू के होते हैं वो इंकलाबी होते हैं, या जो जितने दाएं बाजू के होते हैं वो होते हैं धार्मिक पक्ष होते हैं, और वो उन्होंने सिर्फ अपनी आवाम को ही मारा है, बस हाँ अपनी देश के अपने लोगों के जनता को ही मारा है धार्मिक पक्षों ने। मतलब इंडिया में अगर मुसलमानों को मार रहे तो मुसलमान इंडियन ही है ना, वो कोई अमेरिकन मुस्लिम तो नहीं है। हम नहीं यहाँ पे अगर कोई जो भी किसी एक मंदिर को जलाते हैं, जिसमें मैं बहुत सख्त, हम ओपन, बड़े ओपन किस्म का मैं सपोर्टर हूँ, यानी कि इस कहीं पे भी जहाँ मंदिरों में अटैक्स हुए हैं या कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हुई है और मेरी रेंज में हुआ है, हम गए हैं और हमने बड़ा खास खुल के सामने खड़े होके रहे हैं। यानी कराची में जब वो गुजरात वाला इंसिडेंट हुआ था, मैं एक बार उस वक्त कराची में था, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, एक वो जगह है, मंदिर है उसके बाहर, तो वहां का जो था पंडित जी जो थे वो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे फोन किया रात के 12 बजे, और काउंसलर जो थे वहां के नाजिम उनको फोन किया। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और चीज है जो इंडिया में इतना नहीं है, वो कि अमेरिका में एक हमारे यहाँ, वो हर सबके पास तकरीबन हथियार है, लाइसेंस लाइसेंस मिलते हैं, तो वैसे तो लोगों के पास बगैर लाइसेंस के भी हैं, लेकिन लाइसेंस के हथियार भी हैं। तो मतलब मेरे पास भी ये लाइसेंस वाले हथियार हैं, मैं खुद गया था वो रात के 1 बजे, तो मतलब मेरे पास पिस्टल है, मैं लेके गया, और भी जो काउंसलर साहब है उनके पास भी हथियार थे, वो भी लेके आए। तो वो जो लोग इकट्ठे इकट्ठे हुए थे वो फिर चले गए। हमने कहा जी ये आप बैठ के बात करें, दिस इज नथिंग टू डू विद इंडिया, ये हिंदू हैं तो पाकिस्तानी हिंदू हैं, आपने कुछ गड़बड़ करनी है इंडियंस को करें, उनको करना है करें, वो दैट्स नथिंग टू डू विद अस। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि अमेरिका में भी अगर वो किसी दूसरों को मारते हैं, दूसरे धर्म वालों को, तो वो अमेरिकन को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जो धार्मिक पक्ष वालों का जो क्या कहना चाहिए, आतंकवाद का एक हाँ बदकिस्मती है सबसे पहली, कि वो अपने देश के ही दूसरे धर्म वालों को मार रहे होते हैं। मैंने मतलब यहाँ की भी इसलिए मिसाल दी कि हम अगर जिस भी हमारे यहाँ हिंदू क्रिश्चियंस को किसी को भी अगर अटैक होता है, तो वो अपने देश के ही लोगों पे ही हो रहा है। इसी तरह इंडिया में अगर जिस दूसरे धर्म वालों पे हो रहा है, तो वो अपने देश वालों तो पे हो रहा है। जी अमेरिका में भी जो वो जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने अगर अटैक किया तो अपने क्या तो अमेरिकन वो मुसलमानों को और अमेरिकन सिखों पे ही किया। तो लेकिन सिवाय बाएं बाजू के जो आए हैं, वो जरा जिसको हम कहते हैं इंकलाबी कहते हैं, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रेवोल्यूशनरीज को, ठीक है ना, क्रांतिकारी क्रांतिकारी हाँ क्रांतिकारी, यस, क्रांति फिल्म भी आई थी। हाँ तो जी मतलब नहीं, जैसे भगत सिंह वगैरह है, जैसे ये लोग है ना, ये वो क्रांतिकारी वाली एक्टिव कैटेगरी में थे। हाँ नहीं मतलब वो भी क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने हुई अपने आप को धर्म से दूर करके रखा, दूर कर दूर रखा जी मतलब है ना, वो मतलब भगत सिंह ने कभी ये अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे नहीं किया कि मैं किस धर्म से है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ कहाँ, यहाँ पे यही है कि इसमें जितने भी, जो मैं शुरू में कह रहा था, जहाँ से स्टार्ट लिया था, कि सेना के नजदीक एक तो हमारे माशाल्लाह मौलवी हैं, और धार्मिक पक्षों में ही सबसे ज्यादा आतंकवादी होते हैं। जी तो इस वक्त आप देखें कि आतंकवादी पक्ष और ये जो सड़कों पे कब्जा करने वाले धार्मिक पक्ष, दोनों बैकफुट पे हैं। ये एक मैच्योरिटी की निशानी है इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति में, जो हमारे यहाँ तकरीबन 70 साल से इतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी कि पहला गड़बड़ो सड़क पे आओ, अगले के दरवाजा बंद करो, हंगामा करो, पत्थर मारो, फायरिंग करो। ये इस चीज से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इससे कि सेना में बैकफुट के अलावा मेच्योरिटी भी आई है, कि ये क्या है, यानी कि अब जैसे हम सब भी कह रहे हैं ये क्या है। जिस तरह मैंने एक बात कही ना, कि आप अगर मार रहे हैं तो अलीगढ़ के मुसलमानों को मार दो, तो इससे पाकिस्तान पे फर्क क्या पड़ेगा, या जी हम यहाँ पे किसी भोंग में किसी एक मंदिर जला दिया, टेरी मस्जिद मंदिर जला दिया था वो उधर करक में, ठीक है ना, तो उससे किसी पे दुनिया में क्या फर्क पड़ा। तो उसके बाद फिर वो बड़ी सख्त सजा दी थी कोर्ट ने उस मौलवी को, बड़ा उस सारी उस कम्युनिटी से पैसा लेके कहा जी जितना रिपेयर का खर्चा आएगा वो वहां के जितने मुसलमान है ना कम्युनिटी वही पे करेगी। तो जी वो सही किया, भाई तुमने नुकसान तो पाकिस्तान का किया ना, मंदिर तो हमारा था, मतलब उसको रिपेयर करेगी गवर्नमेंट, करेगी गवर्नमेंट का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा, तो इसका मतलब जिसने जलाया वही पैसा पे करे। तो ये है, ये मेच्योरिटी की निशानी है जो सेना में भी आ रही है, और ओवरऑल राजनीति में भी आ रही है, और पब्लिक में भी आ रही है। जैसे अब मैं जो बात कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, तो इसलिए खुल के कह रहा हूँ कि मुझे अब खतरा नहीं है। जब
अब इसके बरक्स बहुत सारी, जैसे ट्रम्प के दौर में मीडिया वाले बेचारे परेशान होते थे क्योंकि ट्रम्प का रवैया ऐसा था। रवैया उनका बहुत गलत था वो मीडिया को लेकर। हाँ, तो मैं ही कह रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइड है। और सेना अपनी एक इन्वॉल्वमेंट एज अ लॉबी या सपोर्ट ग्रुप या अपना इंटरेस्ट, और देश की रक्षा तो आखिर उन्हीं की जिम्मेदारी है ना, वो मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, उसमें अगर उनको कहीं ना कहीं महसूस होता है, गड़बड़ लगती है, तो वो उनका काम है रोके। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ तो फिर मुझे पकड़ना चाहिए और बताना तो चाहिए कि भाई साहब ये काम आपके 2 नंबरी के नजर आ रहे हैं, मतलब पूछना उनका राइट है। तो ये मेरा मतलब है, ये उनके अंदर भी मेच्योरिटी आ रही है और ये शो करता है कि वो जो ट्रेडिशन एक तरीके का रहा है जी उससे वो दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से अब देखे सारा का सारा, मैंने स्टार्ट में जैसे लिया था कि सारी अब पाकिस्तान की राजनीति किताबों में और दीवारों में हो रही है, सड़कों पे नहीं हो रही, ना आतंकवादियों के हाथ में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि सेना अब मतलब एक तरह से मैच्योर भी हो रही है, अगर इमरान खान ने उनको उसको बैकफुट पे ले आए तो वो मैच्योर भी हो रही है, लेकिन सर क्या लगता है कि आगामी चुनाव में कुछ फिर रोल सेना का रहेगा क्या? जैसे वो तो रहता, मतलब पिछली बार भी बोला जा रहा था कि इमरान उन्हीं के साथ मतलब उनकी मदद से ही बने हैं, और अब लेकिन जैसा लग रहा है कि इमरान ने सीधा सीधा उनको बैकफुट पे कर दिया है, तो क्या सेना का अब इन चुनाव में कुछ असर रहेगा कि रहेगा रहेगा असर रहेगा। इस तरह का सर? एक हाँ, असर इसलिए भी रहता है कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, कुछ वल्नरेबल एरियाज होते हैं, वहां पे तो डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट नजरों पे होती ही होती है। जैसे एक हमारा फाटा एक इलाका था, ट्राइबल एरिया जो अफगानिस्तान से बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे उनकी मूवमेंट और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट और वो जो चीजों पे नजर रखते हैं वो चीजें तो होती ही होती हैं। इसके अलावा जो एक और बात भी है, जो सबसे बड़ी बात है, हम जी असर को देखते हैं वन साइडेड, ताली एक हाथ से नहीं बजती। नहीं बहुत सारे ऐसे खानदान और बहुत ज्यादा ऐसे राजनीति में लोग हैं, नेता हैं, जो के खुद चाहते हैं कि मेरे और लोकल उनसे ताल्लुकात अच्छे रहें, और इसलिए वो भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं, एक तो रिश्तेदारियां भी हैं, सभी के रिश्तेदार हैं, जितने बड़े लोग हैं उनके रिश्तेदार भी हैं, जी मतलब सिर्फ मिडिल क्लास के रिश्तेदार तो नहीं होते ना, तो वो अपने रिश्तेदारों के तरीके से उनके थ्रू, या वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जी आप मेरी सपोर्ट करें। और सपोर्ट हो सकती है, हो जाती है, सपोर्ट में सिर्फ यही नहीं होता कि जाके ठप्पे लगाना, एक माहौल होता है। कुछ ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं बिजनेस वाले हो गए, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जी आप जरा इनकी हिमायत सपोर्ट करते रहिएगा, तो इसलिए उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट रहेगी। और ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं खत्म हो सकती, उसकी वजह है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी पैराडाइम से बाहर नहीं निकले। यहाँ की सेना कोई ऐसे आप नहीं कह सकते कि हम कोई स्वीडन में बैठे हैं या स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, कि फौज वालों को बैठे हुए और उन्हें समझ नहीं आ रही हमें करना क्या है। मतलब यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ ना कुछ टुक टुक लगी रहती है। देश के अंदर भी 50 मसले हैं, फिर और भी बड़े मसले चल रहे हैं कि वो चाइना रशिया ईरान का एक कैंप बन रहा है, और अब नजर आ रहा है विजिबली कि पाकिस्तान के एक बहुत स्ट्रांग लॉबी ईरान रशिया कैंप की तरफ शिफ्ट हो रही है, चाइना कैंप की तरफ शिफ्ट हो रही है, और लीविंग द अमेरिकन कैंप। और इसी तरह इंडिया में भी इट इज विजिबल कि इंडिया इज नाउ लीनिंग मोर टुवर्ड्स द अमेरिकन कैंप, और अमेरिका सऊदी अरब दुबई की तरफ इंडिया ज्यादा क्लोज हो रहा है रशिया के मुकाबले में। और इसी तरह पाकिस्तान अब सऊदी अरब और यूएई से कंपेटिवली वो दोस्ती नहीं रही जो आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले थी। 40 साल पहले तो ऐसा था कि जैसे यूएई हमारा अपना एक कोई प्रदेश है, और इंडियंस बहुत पीछे थे सऊदी अरब और इंडिया, दुबई में इंडियंस की ऐसी इन्फ्लुएंस नहीं था। अब पाकिस्तानी का वो इन्फ्लुएंस कम हो गया है और इंडियंस का इन्फ्लुएंस बेहतर हो गया है। अमेरिका में भी यही हाल है, लेकिन इसके बाद में जब अमेरिका, तो इंडियंस जहां पे, जहां इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आवाम तो जनता तो बेचारे जनता ही होती है, तो ये एक नजर आता है। देखे ना, ये पुतिन से मिलने चले गए, ठीक उस दिन गए जिस दिन उसने यूक्रेन पे हमला शुरू किया। चर्चाओं बात टल में थे सकती थी। इमरान और पुतिन का जो फैसला था, वो दोनों आप मतलब चर्चाओं में रहे।
इसलिए कि बड़ी हैरानी हुई, सबको जी हैरानी हुई सबको कि हैरानी हालांकि टाल सकते थे, कि जी जंग चल गई हुई। है, अभी मिसाइल का खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है, मैं एक हफ्ते बाद जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, फोन कर लूंगा, लेकिन ये चले गए। इसका मतलब तो ये इशारा सीधा सीधा अमेरिका को भी है ना। बिल्कुल देखिए मतलब कि हम तो शुरू से अमेरिका के इतना ज्यादा साथ हैं कि जैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ बचपन से ही साथ हैं। पाकिस्तान के बचपन से तो फिर अब एकदम से, अब जो बचपन का दोस्त अगर ऐसी गड़बड़ करे तो ज्यादा बुरा लगता है। तो वो मतलब अमेरिकन्स को भी लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं। फिर हमने तालिबान का साथ दिया, हमने जो इस वक्त तालिबान जो सत्ता में है अफगानिस्तान में, तो आप सोचे नहीं कि ये साल में ठीक हथियार और गाड़ियां तो मिल सकती हैं, लेकिन उनको डीजल, डीजल क्योंकि रिफाइनरियां भी नहीं है, डीजल उनको और फूड खाना खुराक वो कहाँ से मिलता था। जैसे ही बैठे बैठे एक दिन, एक हफ्ते के अंदर ऑर्गेनाइज हुए और सारे शहरों में और काबुल पे आ गए, हाँ बेसिकली तो जान से एक आए ही ना वो दिन में लोग, एंटर किया वो पूरा पूरा उन्होंने कब्जा जो काबुल और है उसका ना। मतलब तकरीबन सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन आप लगाएं कि बस। हर जगह कोऑर्डिनेशन के साथ उन सब इकट्ठे उन्होंने मूव की, उनके पास फूड भी मौजूद था वो बिल्कुल और प्लानिंग डीजल से चल मौजूद रहे था। थे। और ये आए कहाँ से, सारे ईरान से आए ना बेसिकली। तो और तो कहीं छुपे हुए नहीं रह सकते थे कि ड्रोन था, सेटेलाइट था, ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, फिर भी किधर छुपे हुए थे वो। तो अफगानिस्तान के अंदर तो सारे नहीं छुपे हुए थे बेसिकली, उनके बड़े लीडर्स या मिड लेवल के लीडर्स, कमांडर्स वगैरह ईरान वगैरह से, इन इलाकों से आए और प्लानिंग साथ ही चल गए। उस वक्त उनकी सपोर्ट पाकिस्तान ने भी की, उसके बाद इसलिए हमारे जो फैज अमीर साहब भी वहां गए, बड़े हाँ गले वो वाले आया मिले लोगों साइड से, तो अमेरिकन को भी बुरा लगा। तो मेरा मतलब कहने का है कि एक चीज, जो सेना का रोल आप राजनीति से 100% हटा नहीं सकते ना हटेगा, जी। इसलिए कि हम क्राइसिस में हैं अभी। अब हम इस नए क्राइसिस में जो आ रहे हैं वो ये है कि हम कैंप शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरह इंडिया अपना कैंप शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम रशिया, सोवियत यूनियन एंड रशिया से अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई की तरफ, तो हम लोग अब धीरे धीरे ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, हो रहे हैं। अभी चाइना के तो पहले भी थे, लेकिन अब जरा चाइना ने अपने आप को बढ़ा लिया है। पहले चाइना जो थे वो एक गर्दन झुका के काम करते थे, उन्होंने वो जो तिब्बत का, अगर आपको याद हो ना याद हो, दलाई लामा की जो नेहरू जी ने दलाई लामा की वो करवाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस तिब्बत वाले काम पे चक्कर में, तो ही 1962 की जंग लड़ाई हुई है ना चाइना की और चाइना इंडिया के की। हाँ अगर है ना, उस वक्त भी वो चुएन लाई थे, क्या नाम था उनका, वो उस जमाने में वो लोग नारा यही लगाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, भाई तो यही नारा था, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने भी एतराज किया कि आप दलाई लामा को इतना ना करें, लेकिन वो जरा नेहरू साहब भी जरा ग्लोबल लीडर बनने के चक्कर में थे, जो भी था बन गए, मतलब तो ही वो झगड़ा हुआ। अगर वो दलाई लामा को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने देते और तिब्बतियंस को रखते एक लिमिट में, तो 62 की लड़ाई ना होती। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर ये दो चार लड़ाइयों को छोड़ दें तो चीन तो कभी लड़ाई झगड़ा मारधाड़ में नहीं था, नहीं अब था हो रहा है, लेकिन अब देखें होना शुरू हुआ, उन्होंने भी क्या कहते हैं अपने पर फैला रहे हैं जो भी वो आप कह तो लें। इसी तरह ईरान वाले बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। अब हमारा मसला सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की जितनी भी वो है इकोनॉमी, जी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर। हम बहुत ही ज्यादा हेविली डिपेंडेंट हैं अमेरिका, वेस्ट, सऊदी अरब, यूएई पे, हमारी इकोनॉमी। हम अगर उनसे हटेंगे, कटेंगे, तो हमारी इकोनॉमी में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ शिफ्ट आएगी, ये एक सीरियस इश्यू है। लेकिन नजर ये आ रहा है कि राजनीति में, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है, उसमें पाकिस्तान ने तकरीबन तकरीबन शिफ्ट हो गया है। अब ये चीज नीचे कैसे आएगी और किस तरह आएगी, ये स्टेप बाय स्टेप का काम है जो कि नजर आ रहा है। तो ये एक और चीज है जिसकी वजह से सेना का रोल एक कम से कम एक खास लिमिट से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब वो लिमिट से नीचे नहीं जाएगा तो जो बहुत सारे लोग हैं वो खुद भी उनके पास जाके, अफसरान से पास जाएंगे और यही कहेंगे कि जी मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, जरा कुछ हेल्प करवा दो, किसी को फोन ही कर दो, या पार्टी के लीडर से कहो मुझे टिकट दे दे इस बार, ये वाला रोल तो रहेगा ही रहेगा ना, कि अब पार्टी के टिकट से सिफारिश कर दो, कम से कम जी मेरे लिए सिफारिश कर दो। तो इसलिए रोल, इतना रोल खत्म नहीं होगा कभी भी।
हाँ ये रोल अलबत्ता नजर नहीं आ रहा मुख्तलिफ चीजों से कि वो सड़कों वाला रोल अब उनका इतना नजर नहीं आ रहा। होने को तो फिर हम हमेशा कहते हैं अल्लाह मालिक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता सर। चुनाव आयोग ने जैसे कहा कि हम 3 महीने के अंदर तो चुनाव कराने की तैयारी में नहीं है, तो क्या लगता है मतलब कि वो भी कुछ उसमें भी कुछ मतलब कहते हैं ना कि एक निष्पक्षता को लेके मतलब उसकी भी कुछ सवालों के घेरे में वो हो सकता है, या सच में नहीं ही ये पता है क्या तैयारी है नहीं कर पा रहा इस 3 महीने में चुनाव की नहीं नहीं सच में ही। इसको अगर हम बिल्कुल पॉजिटिवली लें जी तो बात है, कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर ना चुनाव होने हैं। होने अब 90 दिन के अंदर चुनाव नहीं इसलिए हो सकते कि मतलब अब हम प्रैक्टिकल बात करें ना, वैसे उनकी तरफ से ये पहला महीना तो गुजर गया रमजान, बिल्कुल इसमें कुछ बिल्कुल नहीं होता। जून होता है बजट का महीना, हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल ईयर है वो जून से खत्म होता है, वो बजट का महीना। जी जुलाई से नई बजट्स आएंगी, जो फाइनेंशियल एलोकेशन शुरू होंगी वो जुलाई से होंगी, तो सारी की सारी स्टेट मशीनरी जो काम करना शुरू करती है जुलाई से करना शुरू करती है जी एक्चुअली, तो इसलिए वो मई अप्रैल मई जून के अंदर अंदर वो कहते हैं कि ये फिजिकली ये कंडीशन ठीक नहीं है। दूसरा ये कि बहुत गर्म महीने होते हैं, मई जून जुलाई थोड़ा गर्म महीने होते हैं, तो अक्टूबर में अमूमन पसंद किया जाता है कि अक्टूबर में चुनाव इसलिए हो कि वह मौसम भी ठीक होता है और वो बजट्स वगैरह क्लियर हो चुके होते हैं। वैसे तो अगर अगला साल होता तो उनको भी पता था कि जी इस महीने में हमारे चुनाव होने हैं, ये उनके ऊपर बैठे बैठे तलवार गिर गई, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम 3 महीने में तैयार नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एलोकेशन सरकार ने देनी है, तैयारी करनी है, पूरे मुल्क में लोगों को जाल बिछाना होता है, वो तो ये सब चीजें करनी होती हैं, तो रमजान भी है फिर बजट का महीना भी है, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता। ये अगर हम पॉजिटिवली लें तो सीधी सीधी बात ये भी है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि 6 महीने के बाद कराया जाए। देखिए विपक्ष की हम जो बात करें ना, तो पहले भी कोशिश तो करते रहे लेकिन विपक्ष की जितनी ये पार्टीज हैं ये कोई ज्यादा देर तक एक साथ रह नहीं सकती, और किसी भी हाँ वो प्रदेश में ये लगता लोग एक साथ नहीं है, मतलब 4 प्रदेश है हमारे यहाँ, इसमें से जो प्रांत एक है सिंध है, काफी पैसे वाला प्रदेश है, लेकिन उसके हाल जरा बिहार की तरह ही है, तो अच्छा बिहार भी बड़ा वैसे तो वहाँ चीजें सब कुछ ठीक है और गैस बहुत निकलती है, वो भी है ज़रात यानी कि खेती बाड़ी भी बहुत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह कि जरा हालात ठीक नहीं है, डकैतियाँ, खींचातानी और एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियाँ, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा हैं। तो सिंध में पीपल्स पार्टी की सरकार है, पहले भी थी आगे भी रहेगी, तो उनको उन्हें टेंशन क्या है, वो तो काम ठीक चल रहा है। और इसी तरह मौलाना का भी एक खास एक बेल्ट है जिससे मौलाना के पास अच्छी खासी पोजीशन निकल आती है, तो मौलाना उसके बेस पे अपने लिए अच्छे खासा दाल दलिया पूरा कर लेते हैं, अच्छा तो मौलाना को जो है ना शोर शराबा करके दाल दलिये में कुछ तड़का लगाने के लिए कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना उनका काम पूरा हो जाता है। इस वक्त सारी विपक्ष में अगर फंसा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ PMLN फंसा हुआ है, शहबाज शरीफ नवाज जी शरीफ, और इसमें यह है कि इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय विपक्ष ही के करने के, तो एक इसीलिए सबसे ज्यादा ज्यादा एक उतावले से हुए हुए थे शहबाज शरीफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट की बातें कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि उनको कहा प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा वो बड़े खुश हो गए, उनके बेटे को कहा जाए कि जी आप वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे पंजाब के वो भी हाँ बड़ा खुश हो गया, और जो उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ वो लंदन में, तो वो भी कोई ज्यादा खुश तो नहीं होंगे कि अगर उनका छोटा भाई प्रधानमंत्री बन जाए और वो लंदन में बैठे हुए, उनकी बेटी जो है वो सारा का सारा कैंपेन उसने लॉन्च चलाया था रही मरियम चला नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल के खिलाफ, बिल्कुल और अब सबको नजर आ रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर सत्ता में आना चाह रहे हैं, तो जो विपक्ष के दो आपस की तो दूर की बात है, ये खानदान भी आपस में कोई यकजुट नहीं है कि एक ही एक अंदाज एक जबान हो, क्योंकि सब दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। अगर जी इस वक्त सत्ता में आने के बाद हमजा और शहबाज शरीफ अगर आ जाते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जी तो वही जिस एस्टेब्लिशमेंट की बुराई कर रहे थे ये उसके साथ मिलकर काम करेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो चुनाव में किस स्लोगन से जाएंगे, बिल्कुल है ना, स्लोग स्लो चुनाव में इस स्लोगन से जाएंगे कि जी मेरे बाप को इसने निकाला लेकिन मैंने 1 साल तक उसको अपना वो उसका सलूट करता सलूट रहा या वो मुझे सलूट करता रहा,
तो ये तो जो विपक्ष जो है ना, ये सब ऐसे ही है जिस तरह हमारे यहाँ भी सब जगह ही विपक्ष, मतलब इंडिया में भी जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बस में सारे सफर कर रहे होते हैं साथ साथ। पर अब मैं जो साथ में मेरे बैठा है, मेरा और उसका इंटरेस्ट एक नहीं होता सिवाय इसके कि हम दोनों बैठे हुए हैं। ये उस तरह के विपक्ष ही है सब, तो इनका कोई जान नहीं है इन चीजों में। हाँ वही कि मतलब सर अपना स्टॉप आते कब कौन कहाँ उतर जाए किसी को नहीं पता। तो हाँ बस बस उसी तरह ही। हाँ है सर फिर ना, बस वो तो भविष्य में ये तो ये भी फिर अनुमान कोई मतलब लगाना बड़ी बात नहीं है कि कल को सेना इन्हीं को हटाने में अगर नहीं लगे तो बोले आप ही चलिए, आप ही को रवानगी करा दें। असल में सेना से ज्यादा जो हमारे जो राजनीति में लोग हैं ना, जी वो भी तो अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करे ना, पांव पे खड़े हो, जी बहुत सारी बातें ना माने भाई। अगर अभी सेना और इमरान खान के दरमियान में था कोई झगड़ा चल रहा था, फैज हमीद हो कुछ भी हो, जी कोई झगड़ा चल रहा था, तो किसी ने कहा था शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को, मौलाना को कि आप टांग अड़ाएं, ओखली में अपना सर बिल्कुल डालें और खूब दोनों तरफ के डंडे लें अपने सर पे, है ना, और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिला तो सेना का कसूर है, और कुछ मिल गया तो ये जनता का कमाल है। तो जी फिर चुप रहते जहां इतने 3 साल 4 साल चुप रहे हो भाई, 1 साल और 1.5 साल की तो बात थी। जी और इन लोगों को ये तो है नहीं कि बेरोजगारी है कि अगर सत्ता से बाहर है तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भाई या तो हम जैसा बंदा हो, आप में, हमें बेरोजगारी अल्लाह ना करे यार, किसी को भी बेचारा मिडिल क्लास का बंदा अगर बिल्कुल नौकरी सर चली जाए तो वो फिर साल के बाद वो सोचता है परेशान। यार चल कुछ भी मिल जाए, कुछ भी जॉब मिले तो बात और है। अब इनको ये वाली तो इनकी मजबूरी नहीं थी ना कि जी चलो अच्छा कुछ भी दे दो यार, सेना से गए जी सेनापति, कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो, क्या जरूरत थी, 1 साल और रुक जाते। खुद ब खुद चुनाव में मतलब दूध का दूध पानी का पानी, जो भी आप कहें, कुदरती तरीके से ही, या अगर वो लड़ रहे थे तो वो लड़ते, इमरान खान जाने और सेनापति जाने। भाई खुद भी तो हम भी तो यही कहते थे, हमसे मतलब विपक्ष की सारी पार्टीज कह रही थी ना कि जितना भी ये आए हैं, इमरान खान सत्ता में आया है तो ये सेनापति के कंधे पे आया है, कह बिल्कुल क्या रहे थे ना, तो आप सेनापति के साथ देने का क्या फायदा। बात। ये तो अपने जो हमारे राजनीति के जो लोग हैं, ये मुसलसल एक कंटिन्यूसली गड़बड़ करते हैं राजनीति में, जो सेना का, ब्यूरोक्रेसी का, फलाने का, इसका या उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तब तक रहेगी जब तक ये नेता सारी की सारी ये जितनी हमारी पार्टीज हैं ये खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि एक टाइम के बाद मुझे हटके मेरी अगली पौध को इस पार्टी में आना चाहिए, मतलब इस पार्टी की पौध को। तो ये खानदान से और उससे जब तक नहीं निकलेंगे ये कभी कुछ नहीं कर सकते।